संगीता प्रेम साहब भंडारी जी, आप सरपंच, मैं पूरे मातृशक्ति शक्तियों के लिए चाहूंगा कि हमारे इन मातृशक्ति के लिए जोरदार ताली बजाकर के सम्मान तो करें, क्योंकि ये वही वीरांगना है जो आपके मध्य प्रदेश में धार धार करके आज कई लोगों को चक्के छुड़ा करके सरपंच के पद पर आदासीन है। आइए संगीता प्रेम साहब मराव जी। सर्वप्रथम ग्राम तिवर्ता की पावन धारा को मेरा सादर सेवा जवाहर। यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष मामा जी मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव मामा जी मरकाम, मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मामा जी पोते, उपाध्यक्ष दादा प्रेम शाह मरावी, और यहाँ समस्त प्रदेशों से उपस्थित जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्हें मैं समस्त सामूहिक रूप से आप सभी को सादर सेवा जोहार करती हूँ। आज ये जो अवसर आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं पांच गांव की एक छोटी सी पंचायत की सरपंच हूँ। मैं अपना आभार मानती हूँ कि मैं इस ग्राम तिवर्ता की इस पावन धारा में मेरा पैर पड़ा है, क्योंकि अगर मैं सरपंच हूँ उस पंचायत की, तो ये ग्राम तिवर्ता है जिसने दादा मरकाम जैसा एक हीरा दिया था, और उस हीरा को चमकने के लिए एक प्रदेश तो छोड़िए पूरा विश्व कम पड़ जाएगा। ये केवल और केवल उनकी जो समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन है, उसका परिणाम है कि पूरे मध्य प्रदेश में सरपंच से लेके जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे तमाम पदाधिकारी और तमाम आपकी जनप्रतिनिधि जो है वो चुनकर आए हैं। ये केवल और केवल दादा मरकाम का सपना था, गोंडवाना साम्राज्य का ये सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। मैंने जब मैं सरपंच का चुनाव लड़ रही थी, उसके पहले मैंने सोचा था कि मैं केवल एक सरपंच रहूंगी, पंचायत के लोगों के लिए वो करूंगी जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का हिस्सा रहेगा। लेकिन दादा मरकाम कह रहे थे कि अगर गोंडवाना साम्राज्य का सपना पूरा होना है, तो वो सपना हमें उस पंचायत से शुरू करना होगा जहाँ पर हमारी ये आखिरी धारा की मुख्य धारा में इनको जोड़कर जो हमारा समाज बैठा है वो रहेगा, और हमारा सपना यही से पूरा होने वाला है, तब जाके हम विधानसभा और राज्यसभा तक पहुँचेंगे। जैसा अभी पूर्व वक्ता थे उत्तर प्रदेश से शायद आए हुए हैं वो, मिर्जापुर सोनभद्र में इन क्षेत्रों में मैंने विधानसभा का चुनाव चल रहा था, वहाँ काम किया हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश से जो आए हुए पदाधिकारी है, मैं उनसे चाहूंगी कि उन्होंने जैसा बताया, उनसे चाहूंगी कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, कहते हैं कि दुनिया में भारत में जितने भी राजनीति है उनका बाप है वहाँ। सत्ता कैसे बढ़ती जाती है वहाँ पे, पदाधिकारी कैसे चल लगते हैं, और जो पद पर रहने वाले बड़े बड़े अध्यक्ष महासचिव जैसे दूसरी पार्टियों में कैसे पलटा नहीं खाते हैं, उत्तर प्रदेश से सीखनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को एक मंच पर बैठा सकने वाला जो कोई शख्स है, तो दादा हीरा सिंह मरकाम है। 2023 में केवल और केवल मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ में भी वो सरकार बैठाने जा रहे हैं। ये सपना उनका जीते जीता, और ये पावन धारा मैं कहती हूँ कि आज अपनी छाती चौड़ा कर ली होगी कि वो एक इंसान है जो जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद इस दुनिया से चले जाने के बाद भी कई प्रदेशों को एक साथ लाकर जोड़ सकती है। सामाजिक रूप से अमूर्त सेवा ट्रस्ट है, जिसका एक घोटू और फिर बहुत सारी विश्वविद्यालय और फिर हमारे सामाजिक कामों को करेगी। लेकिन उसके बाद जो एक और है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का मैं सामूहिक रूप से इसको मैं मानती हूँ कि गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन ये है कि जब आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन ये होगा। अमूर्त जो सेवा ट्रस्ट है वो सामाजिक रूप से काम करेगी, बेहतर सामाजिक रूप से जब वो काम करेगी, वहाँ पर बेहतर अच्छी शिक्षा दी जाएगी, विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, तब जाके आर्थिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब हमें जो काम करना है वो राजनीतिक तौर पर 2023 हमें बुलाना है कि दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना कैसे पूरा करेगा, ये हमें देखना है, क्योंकि जनता हम पर विश्वास करती है। मैं आज कार्यकर्ताओं से, जितने पदाधिकारी है गोंडवाना गठबंधन पार्टी के, उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर गोंडवाना गठबंधन पार्टी से अगर किसी गधे और घोड़ा को उतारा जाएगा, तो आपको व्यक्ति नहीं देखना है, केवल और केवल दादा मरकाम का वो चेहरा देखना है, और केवल और केवल गोंडवाना गठबंधन पार्टी
पार्टी देख रहा है। ये विभाजित होने का समय नहीं है, एकता लाने का समय है। दादा भरपाल ने 2009 संगठन क्रांति आंदोलन खड़ा किया था, वो संगठन बने, लोगों को संगठित करने के लिए लेकर आए थे, जो संगठन बनाए थे। आज हमारे लोग, आज हमारे कार्यकर्ता ही उस संगठन से सीख कर हजारों विभाजित हो रहे हैं, हजारों संगठनों में टूट रहे हैं। संगठन बनाया था संगठित होने के लिए, लेकिन हजार संगठन बन रहे हैं इसी संगठन को तोड़ने के लिए। ये आप लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी में जितने पदाधिकारी हैं उनको सीखने की आवश्यकता है कि अगर आप ऐसे ही संगठन में विभाजित होते रहेंगे तो मुझे लगता है आप दादा मरकाम का सपना तो छोड़िए, आप खुद का सपना भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2009 समग्र क्रांति आंदोलन अब खुद का सपना नहीं रह गया है। ये पूरे भारत का सपना होना चाहिए, पूरे गोंडवाना साम्राज्य का सपना होना चाहिए। और गोंडवाना साम्राज्य केवल किसी एक का नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं दिन रात मेहनत करने वाले लोग, वो मेहनत अब संघर्ष में नहीं होना चाहिए, है ना, कि संघर्ष न रहे, अब ये सपना साकार होकर दिखना चाहिए। क्योंकि हमारे पथरा, हमारे क्रांतिकारी, हमारे आंदोलनकारी ने बहुत संघर्ष किया है, अब उस संघर्ष का परिणाम हमें देना होता होगा, और वो होगा केवल और केवल संगठन से। ये संगठन कैसे तोड़ेगा? तोड़ने के लिए हजारों पार्टियां, हजारों दल एकत्रित हो चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखिएगा, उनकी हजारों जो बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, वो कैसे वहां पर सर्वे कर रहे हैं। आज दिन एक छोटे से 5 गांव में जो पंचायत है, उसके सरपंच के घर में लोग आते हैं कि बताइए कि आपके हिसाब से बीजेपी का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, गोंडवाना गठबंधन पार्टी का चेहरा कौन होगा। उन्हें किस चीज का सपना बता रहे हैं, किस चीज का डर दिख रहा है कि अगर गोंडवाना जो पार्टी है हमारी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी का सपना अगर साकार हो गया तो वो सपने देखने लायक भी नहीं रहेंगे। और ये ताकत है आप लोगों की, ये ताकत है उन लोगों की, वो जो कार्यकर्ता है जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो 2023 में इस संगठन को, इस दल को, दूसरे दलों के पास जो डर बैठा हुआ है ना, गोंडवाना गठबंधन पार्टी आने वाली है, वो डर दिन और रात रहना चाहिए, केवल और केवल ये आप लोगों की वजह से होने वाला है। ये संगठन है, और ये संगठन अगर टूट गया, वो एक लड़ी टूट गई, तो विभेषक विभीषणों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहते हैं दूसरे दल। और कार्यकर्ता, आप सबसे मैं आप जोड़ कर विनती करती हूँ, बारम्बार मैं विनती करती हूँ कि किसी भी पार्टी या किसी भी दल के लिए आप लोग दलाल मत बनिए, विभीषण मत बनिए, क्योंकि गोंडवाना गठबंधन पार्टी दलाल और विभूषण के बल पर खड़ी नहीं हुई है। ऐसे सच्चे क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, समाज सेवियों के बल पर खड़ी हुई है, और ये आप लोगों को साबित करना होगा। क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता जब देखते हैं ना, कह रहे हैं कि अभी कोई पार्टी से कौन खड़ा होगा, हम उनके हिसाब से वोट करेंगे, तो उन कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूंगी कि आपको अगर कोई कहता है मुझसे कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, हमेशा रहूंगी। अगर कोई एक वोट करने वाला भी गोंडवाना गठबंधन पार्टी का आखिरी बचेगा ना, वो मैं रहूंगी। अगर कोई रहेगा तो मैं रहूंगी, कि अगर गोंडवाना गठबंधन पार्टी में तो कोई भी ना बचे और कहे कि बीजेपी कांग्रेस को वोट दे दो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ दादा मरकाम का सपना पूरा करने के लिए वहां खड़ी रहूंगी, और मैं आखिरी सिपाही रहूंगी, ताकि मैं सवाल जवाब दे सकूं कि जिस समय दूसरी दल है बीजेपी और कांग्रेस, जिस समय पे हमारे कार्यकर्ताओं के आगे पीछे घूम रहे थे, विभीषण बन जाओ, दलाल बन जाओ, आपको बड़े बड़े पदों पर पहुंचा देंगे, उस समय है गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का हिस्सा थी, और गोंडवाना साम्राज्य को खड़ा करने में मेरा वो हाथ था, जो आप सब देखने वाले हैं 2023 में। 2023 में सिर्फ जनता निर्धारित नहीं करेगी, मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। लेकिन कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी है, मैं उनसे बार बार इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग फोन करते हैं कि दीदी कहिए कि कहीं ऐसे लोगों को टिकट ना मिल जाए जो हमारी पार्टी को बेच दे। मैंने उनसे पूछा कि जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो ऐसी थोड़ी बैठे हैं, और जो किसी पार्टी के लोग सामने आ जाए वो कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। तो आपको साबित भी करना है, 2023 में विधायक भी बनाना है, सांसद भी बनाना है, मुख्यमंत्री भी बनाना है, और आप लोग जितने कार्यकर्ता है उनके बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो प्लीज मैं आप लोगों से विनती जोर कर ये कहूंगी कि 2023 में आप एकता रखिए, संगठन बनाए रखिए। जब मैं इस निवर्तन धरती पर पैर रख रही थी तो मुझे विचार आया कि मैंने वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर मीडिया से उत्तर प्रदेश में काम करके 70,000 की नौकरी छोड़कर जब 36 में चुनाव के लिए मुझे ऑफर आया कि आपके अंडर में 200 मुंबई से टीम आएगी, वो काम करेगी,
बोल रहे हैं सरपंच बनने के बाद आपकी आप आ जाइए, आप जितना कहेंगे उतने का प्रैक्टिस देंगे। मैं धन्यवाद दिया दादा हीरा सिंह मकान को जिसने हाथ जैसे कार्यकर्ता को पैदा किया है, जो कहता है कि तुम्हारी 70,000 की नौकरी से अच्छा है कि मैं 7 बच्चों को अपने पंचायत में खड़ा कर सकूं, जो ऐसे हीरा सिंह मकान जैसे दादाओं को और उनके गोल में समग्र भारतीय आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। मैं धन्यवाद दिया क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी करने वाला जो होता है वो समाज की तरफ नहीं देखता, सबसे ज्यादा समाज की जिसकी याद आती है ना, जिसको बताया जाता है वो सरकारी नौकरी करने वाला ही होता है। उनसे पूछिए ना, वो सरकार का होता है ना आपके समाज का होता है, वो बीच में लटक रहा होता है। जब वो सरकार की सरकार से जब बगावत करने के लिए सोचता है अपने बीवी बच्चों की सोचेगा, और जब सरकार की मानेगा तो वो सोचेगा कि मैं समाज के सामने कैसे जाऊँ, बीच से मंच पर खड़े नहीं हो पाते। हम जैसे लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, हमें पता है कि दो जून की रोटी हम कमा लेंगे, लेकिन अगर उस ऊंचे पायदान में बैठा हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा जो गोंड समाज है, हमारे गोंडवाना साम्राज्य के जो लोग हैं, उनसे अगर रात दिन की रोटी छीन ली जाए तो किस हालात में होंगे, इस दर्द का एहसास होना जरूरी है। और ये दर्द ये जो कार्यकर्ता है पार्टी के संगठन के लोग जो है वो महसूस करते हैं, और आप लोगों से वो सिर्फ इतना कहते हैं कि एक वोट देना है। 2023 में विधायक बनाने के लिए एक वोट चाहिए ना। माता शक्तियां मैं कहती हूँ आपने पूरे विश्व को पैदा किया है, एक विधायक पैदा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के लिए मामूली बात है, विधायक पैदा कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया चला रहे हैं, आपके लिए पूरी दुनिया पैदा करना आसान हो सकता है, एक विधायक पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप करेंगे करेंगे ना, हाथ उठा कर कहिएगा, क्योंकि मैंने इसी समाज के लिए, इसी गोरवाना समग्र क्रांति के लिए अपना ससुराल चल बैठा है। ये पति है, इनका सपना जितना होता है दादा प्रेमचंद महारानी, इन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के लिए लगा दिया, और मैं जिस फैसले के समाज के लिए बनती है उन्होंने हमेशा उस फैसले का स्वागत किया है, और उतना ही बराबर के हकदार मेरे पति है जो इस फैसले को स्वीकार करते हैं। जो कहते हैं कि तुम दिल्ली में नौकरी करने से बेहतर है कि अपने पंचायत में आके इस पंचायत को सुधारो, बाकी पंचायत के लोगों को बताओ कि अब लड़ाई सिर्फ परंपरा संस्कृति रीति रिवाज की नहीं है, लड़ाई है गोरवाना साम्राज्य की, और ये गोरवाना साम्राज्य की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, यह परिवार समाज सबसे पहला परिवार होता है। जब परिवार ऐसा मजबूत हो जाएगा तो मैं कहती हूँ विधायक को छोड़ो, माँ का शक्ति आप मुख्यमंत्री एक मिनट में बना सकते हो, बना सकते हो ना। ये पावन लड़ाई है तिरंगा की, मुझे लगता है पूरा भारत जो पूरा भारत है वो दादा मकान का ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा। आज मेरा जन्म तिथि है, मैं सौभाग्य मानती हूँ कि 28 तारीख को मेरा जन्म तिथि है, मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा कि गोरवाना समग्र क्रांति आंदोलन को मुझे किस तरीके से चलाना, मेरा जीवन किस लिए आया इस दुनिया में, किस चीज के लिए जन्म ली हूँ, मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा। दादा मकान 4 बार मैं उनसे मिल पाई, और एक बार उन्होंने कहा था कि बेटा किसी ये जो जितने दुनिया में जितने लोग पैदा हुए ना उनका एक एक कुछ ना कुछ बड़ा मकसद होता है, और वो मकसद मुझे इस धरती पर आके समझ आया कि आपसे गोरवाना साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए आए हैं, और ये करके रहेंगे। और मैं चाहूंगी जितने पदाधिकारी हैं कि इस गोरवाना समग्र क्रांति आंदोलन को गोरवाना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। उस व्यक्ति को चुनिए, उस व्यक्ति को देखिए जो आपके क्षेत्र में उस विधानसभा क्षेत्र में कितनी काबिलियत रखता है। मैं बात छोटी हूँ, ये सजेशन नहीं हो सकता, मेरा आग्रह हो सकता है आप सबसे, क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रही थी उस समय मुझे समझ आया कि जब दूसरी पार्टियां सर्वे करती है ना, मुझे पता नहीं कि तरफ से अभी सर्वे हो रहे हैं नहीं, तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति को आप उस क्षेत्र में चुनिए जिसका लोग बच्चे से लेके पूरा तक जानते हो कि हाँ ये हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है, क्योंकि वो अपना चाहते हैं और अपना विधायक चाहते हैं जिसे पहचानेंगे, उसे आप लूट कर वोट देंगे, देंगे ना करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत मुझे पता है आप सब देंगे, मेरा सिर्फ यहाँ मंच पर खड़े होने बोलने का आसर मेरे पदाधिकारियों से था, क्योंकि मैं पार्टी में कोई पदाधिकारी अभी से पद पर नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्वतंत्र कार्यकर्ता हूँ, जीवन पर्यंत रहेंगे, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार को जाएगा, दादा हीरा सिंह मकान को जाएगा, क्योंकि मैंने जो गोरवाना समग्र क्रांति आंदोलन का बीज बोया था वो मेरे पिताजी दिन रात उसको सींच रहे हैं मेहनत करके।